सरों का। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस की सभी खूबसूरत महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी में महिला मार्च का आयोजन किया। वहीं थोड़ी देर में इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। इस दौरान पंखुड़ी पाठक से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें जो 40% सीटों पे महिलाएं लड़ी थी उनको भी बुलाया गया और साथ ही साथ हर तबके की महिला इसमें इस मार्च में मौजूद है। इसी कड़ी में हमारे साथ नोएडा की प्रत्याशी और कांग्रेस नेता नेत्री पंखुड़ी पाठक जी हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत, और हमें ये बताएं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस बार के विधानसभा में कितना कारगर साबित होते हुए दिख रहा है? देखिए, बहुत प्रभाव रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चर्चा राजनीति में हुई, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रियंका जी को और कांग्रेस पार्टी को जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का एक नया नेतृत्व तैयार हुआ और महिलाओं ने बहुत ही उम्मीदों के साथ कांग्रेस पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिया है, जिसका रिजल्ट हमें 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। जी मैम, आज का जो मार्च निकाल गया है महिला मार्च, महिला दिवस के अवसर में, इससे क्या संदेश देना चाहती हैं देशभक्त को आप? देखिए, संदेश यही है कि जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो हम लोगों ने ये नारा दिया था, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए नहीं था, ये एक अभियान है, एक क्रांति है जिसकी शुरुआत हमने करी है और ये आगे जाएगी यहाँ से। और महिलाओं को भागीदारी, महिलाओं का जो सशक्तिकरण का काम है, इसको कांग्रेस पार्टी आगे भी उतने ही उत्साह से, उतने ही जोर शोर से करेगी। जी मैम, कल एग्जिट पोल आ गए हैं, तमाम एग्जिट पोल अपने बता रहे हैं आंकड़ों को, तो इस पे क्या कहेंगी, कांग्रेस की स्थिति को वही दिखाया गया? देखिए, एग्जिट पोल का काम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक जनता का मनोरंजन करना होता है, इससे बड़ा एग्जिट पोल का कोई काम नहीं है। और जो जनता का पोल है वो 2 दिन में आने वाला है, वो हम सबके सामने होगा। अच्छा, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 40% सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतार, आगे की लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, आगे के समय में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के बाद अन्य प्रदेशों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि हमारा नेतृत्व प्रियंका जी कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर वो हैं, तो आने वाले समय में भी हम लोग महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखेंगे। हमारे साथ मौजूद थी नोएडा की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिलाओं की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है वो लड़ती रहेगी और महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर हर एक मुमकिन प्रयास को करती रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। पंखुड़ी पाठक जिस तरह से कहती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं ने नेतृत्व किया, उसके बाद कई अन्य प्रदेशों में भी महिलाओं ऐसी नेतृत्व करेंगी, कांग्रेस महिलाओं को ऐसे ही मौका देते रहेगा। और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व चूंकि प्रियंका गांधी कर रही थी, इसलिए सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश से किया गया है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में कल ही आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हुआ है और प्रियंका गांधी ने भी चुनाव के दौरान खूब रैलियां, जनसभाएं और कैंपेन किया है, जिसके बाद आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसको लेकर जो 40% महिलाएं हैं जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था विधानसभा में, वो भी यहाँ मौजूद है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ा रही है। वही तमाम महिलाएं और औरतें इस कार्यक्रम में मौजूद है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को बढ़ावा देती कांग्रेस पार्टी सीधा नजर आ रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का जब से नेतृत्व कर रही, उन्होंने महिलाओं को कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण बना दिया है। कांग्रेस पार्टी का यह एक अच्छा पहल सामने आया है महिलाओं को लेकर के, तो वही देखना क्या होगा कि चुनाव खत्म होने के बाद भी जिस तरह से लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ावा दे रही है, कितना कुछ और प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में इस नारे को कांग्रेस और प्रियंका गांधी बढ़ाने में सफल होती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।